क्योंकि अभी मैं चश्मा लगाया हुआ था, एक बंदर मेरा चश्मा निकाल के ले गया और बड़े प्यार से निकाल के ले गया, ऐसा लग रहा जैसे कोई दोस्त मेरा चश्मा निकाल रहा खुद लगाने के लिए, और वो ले गया। उसके बाद जब तक कहते हैं इसको, वृंदावन में हम पहुंचे धरती पे, आपने देखा। और उसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ जैसे पहुंचे तो पता चला यहाँ कुंभ है और कुंभ चल रहा है, बड़े बड़े अखाड़े लगे हुए हैं सामने, मुझे दिख भी रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी मंदिर जो मेन मेन है वो इस समय बंद है, बाकी सारा कुंभ लगा हुआ है यहाँ पे वृंदावन में। और बस अब आगे जाके हम आपको अभी दिखाते हैं, किस्मत है 4 बजे सारे मंदिर खुलेंगे, तब तक कुंभ घूम रहे हैं। बस अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको वृंदावन का कुंभ। वृंदावन के कुंज गलियों में भाई हमारे साथ, क्या भाई साहब नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा। भैया का नाम दीपक कुमार शर्मा है और ये हम लोगों को पूरा बता रहे हैं, और बड़ा ही डर के मुझे व्लॉग करना पड़ रहा है, बहुत ही डर के, क्योंकि अभी मैं चश्मा लगाया हुआ था, एक बंदर मेरा चश्मा निकाल के ले गया और बड़े प्यार से निकाल के ले गया, ऐसा लग रहा जैसे कोई दोस्त मेरा चश्मा निकाल रहा खुद लगाने के लिए, और वो ले गया। उसके बाद जब तक हमने देखा, फिर उसके लिए फ्रूटी ली, तो पता चला फ्रूटी दो, तो फ्रूटी लेने गया तो उन्होंने बोला कि फ्रूटी 20 वाली लो, 10 वाली फ्रूटी वो फेंक देगा, लेगा नहीं। अब समझो यहाँ की, तो भैया से हमने पूछा भैया ऐसा क्यों है, तो भैया बोले हमसे कि ब्रज है लुटने की नगरी, अगर यहाँ नहीं लुटे तो लुटोगे कहाँ है, ऐसी बात है। तो अभी हम लोग हैं वृंदावन की गलियों में, मंदिर एक के बाद एक भैया दिखा ही रहे हैं, हम चलते हैं खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। राधे राधे। राजा मान सिंह द्वारा बनाया हुआ है, यहाँ फोटोग्राफी करना मना है, तो अंदर मैं आपको नहीं दिखा सकता, बस मैं आपको यहीं तक दिखा सकता हूँ, जो कि ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है।
अंकल घास पी के वापस चलना। इनकी वीडियो देखी हमने। चियों की लस्सी कांटी ड्रेस 80 माय गॉड कृष्णा हॉट मिल्क वेरी नाइस क्या चीज है। ओ हो कृष्णा प्यार है एमपीए पास है और चीने की आस है ना कोई लेके आया है ना कोई लेके राधे राधे। ओ हो कृष्णा का प्यार चीना है तो कृष्णा है जो और है ओ, ओ, ये मिल्क है और ये वेरी नाइस है और वेरी नाइस क्या चीज है। ओ हो कृष्णा का प्यार है यादव जी के पास है और चीने की ना कोई लेके आया है और ना कोई लेके क्या जाएगा साथ में कृष्णा का अभी दर्शन करके आए और अभी हम लोग हैं वृंदावन की एक जगह पे। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही फेमस है, आपने ब्लॉग यूट्यूब पे देखा होगा। उसके अलावा क्या नाम है भैया आपका? राम बाबू यादव। भैया का नाम है राम बाबू यादव और ये लस्सी जो है भैया ने बनाई है और बहुत ही सुंदर। और एक इनका पहले से वीडियो, उसमें हाथ उठाते हुए इनका एक वो है और अभी आपने देखा पूरा जलवा। उसके अलावा उसमें लिखा है ये लस्सी नहीं अमृत है। अब हम पी के देखते हैं, बताते हैं। उम्दा, बहुत उम्दा। जो बूरा डाला है ऊपर चीनी का, बहुत ज़बरदस्त है। आप आइए और मेन जो मंदिर मार्ग है उससे जैसे ही बाहर आएंगे राम बाबू यादव जी की शॉप है, इनको इनके यहाँ आइए और इनको जो है अपना प्यार दीजिए। बंदर बहुत कूद रहे हैं यहाँ से, मैं फ़ोन रखता हूँ। ये कुछ लाल टपकाने वाले पदार्थ बैठे हैं, इनकी तो बहती है, टपकती नहीं है। कुंज गलियां वृंदावन की होली में सब भरी होती होंगी कतई? लठमार होती है। अच्छा, बताते चलिए। लठमार होती है। अच्छा, वो जो मंदिर था अभी हम लोगों ने देखा उसके बारे में कुछ बताइए। गोविंद जी का है, 1590 का है राजा जी। अच्छा, सात का सात चार तोड़ कर गए मस्जिद बना दी। अच्छा। और ये है कौन सा मंदिर भैया? ये है निधि वन। ये कुछ हमको उसके लखनऊ के इमामबाड़े जैसा फील हो रहा है। ये क्या था सामने जो था? ये शादी का है, बसंती का मेला लगता है। बसंत का मेला लगता है उसमें। ओ हो क्या गलियां हैं, जय हो प्रभु। जहाँ पे कृष्ण और राधा रास करते हैं रात में डेली अभी भी।